फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइलैंड चैलेंज। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों। इसमें बताया जाएगा कि मुसलमान लड़कियां सनातन धर्म के बारे में क्या कहती है, और वो तमाम लड़कियां जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया उनके थोड़े थोड़े जिसे बोलते हैं ना चांसेस वीडियोस में आपको मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स एंड ग्रुप में शेयर किया करें। चलो स्टार्ट द वीडियो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं, क्या आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह? आप तो सारे हिंदुओं, बिल्कुल आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख हो, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है ओवर फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से। जब आप मुसलमान थी और अब आप सनातनी हैं, आपने इस्लाम रिलीजन को भी देखा और आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, दोनों में आपको ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ, ज्यादा सेफ महसूस हुआ, क्या फर्क देखा आपने दोनों में? रिलैक्स तो मेरे को अभी सनातन में आके बहुत मिला, क्योंकि जो मैं मान सम्मान, मेरे को लगता है एक जानवर भी मान सम्मान का भूखा होता है प्यार का, जो मुझे सनातन में आके मिला। कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर तीन और महिलाएं हो और मेरा हस्बैंड चार शरीरों से मजा ले रहा हो। आई थिंक द मोस्ट आई थिंक डिप्राइव्ड और सप्रेस्ड वुमन इज एन इस्लामी वुमन, चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, मैंने देख चुकी हूँ, वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा या वो ही कहे जो माशरा कहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं की महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको पता है क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है, नौ रूप दुर्गा के, नौ स्ट्रेंथ दुर्गा के, नौ करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है। कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रन, एंड हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, यू नो, रिस्पेक्ट वुमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला जी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि किस प्रकार मुस्लिम लड़कियां सनातन धर्म को अपना रही हैं, हिंदू धर्म जिस प्रकार से प्रचलित हो रहा है और जिस प्रकार से यहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वो सर्वोपरि है। हिंदू धर्म में शादी से लेकर जीवन साथी सब एक ही बार होता है। हिंदू धर्म में कोई चार शादी या तलाक का सिस्टम नहीं होता। हिंदू धर्म में महिलाओं को पूरी आज़ादी होती है, साथ ही उन्हें घर की लक्ष्मी भी समझा जाता है। हिंदू धर्म में स्त्री को आदरणीय माना जाता है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति को एक नारी का ही रूप माना गया है। मान्यता है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपनी शक्तियाँ इन्हीं देवी से प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म दर्शन में नारी के अस्तित्व और उसके महत्व को बेहद विस्तार से समझाया गया है, लेकिन वक्त के साथ हिंदू धर्म के पाखंडियों और अल्प ज्ञानियों ने नारी के अस्तित्व को नहीं समझा। नारी के महत्व को हिंदू धर्म के प्रमुख तत्वों में शामिल किया गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ शक्ति का वास होता है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति के बिना अधूरा है, इसीलिए नारी की पूजा होनी ही चाहिए। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी जब किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर पाते तो वह आदि शक्ति का ही ध्यान करते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई थिंक द मोस्ट आई थिंक डिप्राइव्ड और सप्रेस्ड वुमन इज एन इस्लामी वुमन, चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, मैंने देख चुकी हूँ, वो कहीं जा नहीं सकती, उसको महरम हमेशा चाहिए। Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? वो ही कहे जो हस्बैंड कहेगा या वो ही कहे जो माशरा कहेगा, ऐसा नहीं होता है। आज आप सारी दुनिया में देखो, Why are people revolting? ईरान में ऐसा क्यों हो रहा है? You know, हर जगह आप देखो कि कहीं ना कहीं एक you know, एक हद होती है, एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और सनातनी का मैं एक और बात कहूँ कि वो स्पेस देना जानती है, क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड नहीं जाएगा कहीं और। आप एक सनातनी वुमेन की बात मैं कहती हूँ कि उसको पता है उसका हस्बैंड यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, वो चार शादियां नहीं करेगा, वो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनाएगा, और वो कभी नहीं करेगा ये सब, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ।
ओके ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसके बुक्स में दिया गया है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वाइफ. अब ये बात और है कि वो अगर जाकर उसको मारता है या कुछ है, दैट इज हिज अपब्रिंगिंग, और मे बी कि वो मतलब इतना नहीं जानता है, ये इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन ज्यादा 100% में से मैं कहती हूँ 90% नो हाउ टू बी विद देयर वाइफ, हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रंस एंड हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन. You know, respect women, that is very important. तो ये सनातन में मैंने देखा है, मैंने सीखा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सनातन में मैंने पाया वो मैंने बहुत सारी जगह मैंने ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला. जी, कुरान और इतिहास गवाह है कि ये मुसलमान मर्दों ने कभी भी औरतों को इज्जत दी ही नहीं. इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है ना, हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए, हमने तो किया नहीं था. ये तो कुदरत ही है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं. लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है, मेरे साथ डिबेट में हो चुका है, औरतों पर ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर रखना पड़ता है. मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पर, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा. और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में? फटाफट करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है. मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? आपने देखा था अपनी नजरों से? तो चुप हो गया. ये पाखंडी, ये जाहिल झपट जो कभी जिंदगी में मदरसे से बाहर नहीं निकला है, ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को सिखाएगा? ये हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां जो जिसने संविधान पढ़ा है, जिसने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसने कुरान को सही से पढ़ा है, वो उसको बताएगा कि क्या होता है कुरान और क्या होता है हदीस? एक नॉर्मल सनातनी से आप पूछिएगा कि महिलाओं की महिलाओं का मर्तबा आपके नजर में क्या है, तो वो आपको बताया क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है नौ रूप दुर्गा के, नौ स्ट्रेंथ दुर्गा के, नौ करिश्मा दुर्गा का, और हर देवियों के पास एक अलग स्ट्रेंथ है. सरस्वती माँ के पास शिक्षा का स्ट्रेंथ है, लक्ष्मी माँ के पास धन का स्ट्रेंथ है, दुर्गा माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, धरती माँ के पास एक अलग स्ट्रेंथ है, काली माँ के पास एक अलग वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है. तो इस तरीके से नौ दुर्गा के नौ रूप है, नौ माए हैं, और जिसके अलग अलग स्ट्रेंथ को वैल्यूबल तरीके से सनातन धर्म में बताया गया है. अब आप मुझे बताइए कि कुरान में कहां पर औरत को वैल्यूबल बताया गया है? मुझे क्रिटिसाइज करना दूर से बैठ करके बहुत आसान है, लेकिन मेरे पास आकर के सामने बैठ करके मेरे साथ कंफ्रंटेशन में जीत जाना वेरी टफ गेम. आई एम नॉट एन इजी टास्क. तो अब आप मुझे बताइए, आप इस्लामिक देश में हैं, आपने कुरान पढ़ा है, आपने जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ा है, आपने हदीस पढ़ी है, आपने हर वो चीजें पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, क्योंकि आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में बचपन से आप लोगों को दीनी तालीम दी जाती है. आपके यहाँ मदरसों में बच्चों को बचपन से जिहाद की बातें बताई जाती हैं. अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं आपको वो क्लिपिंग्स दिखा सकती हूँ जो मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि हिंदू काफिर. कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर तीन और महिलाएं हों और मेरा हस्बैंड चार शरीरों से मजा ले रहा है, या मेरा हलाला कर दिया जाए या आपका हलाला कर दिया जाए. तो हिंदुस्तान में जितनी भी पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं हैं, जितनी भी पढ़ी लिखी फैमिली है, जितनी भी वेल एडुकेटेड वेल क्वालिफाइड फैमिली मुस्लिम फैमिली है, वो सामने आए हैं और उन्होंने इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट किया है. तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने इस्लाम के अलावा जो रिलीजन है सनातन धर्म, उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया, इसके बारे में जानने की कोशिश की. जो 10,000 साल पुराना एक रिलीजन है, या जिसकी तारीख कहते हैं 1,00,000 साल पुरानी है, आया इसके जो है ना अ कोड ऑफ लाइफ क्या है, यहाँ इसकी जो रिचुअल्स हैं वो क्या है, और क्यों मुसलमान लड़कियाँ भारत के अंदर जो है वो सनातन धर्म को क्यों अपना रही हैं, ये इस्लाम से क्यों दूर जा रही हैं, वजह क्या है. अभी कितनी ज्यादा क्लिप्स यहाँ पर थे, मैम पूजा थी और जो काफी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है,
और मैंने इनसे बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि मैंने क्विट कर दिया है, क्योंकि जो एम हम लेके आए थे अपने चैनल्स पे, जो हमारा मिशन था, वो मिशन अब वो चीज़ नहीं रही है। जैसे जो चीज़ हम बताना चाहते थे, लोगों ने उसको पैसे के लिए इतना गलत किया, लोगों ने अपने मकसद के लिए इसको बहुत गलत इस्तेमाल किया, तो इस वजह से हम जो है अपने चैनल को क्विट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने, और फिर उन्होंने रिएक्शन चैनल का आगाज किया, शायद अभी वो अपने पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा शायद बिजी हैं, तो काफी टाइम से मैंने इनका कोई वीडियो नहीं देखा एंड आई विश वो जल्दी से कम बैक करें। और नाज़िया अली खान तो बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर। सो पूरी वीडियो का क्रक्स क्या है, एक मिनट के लिए आप देखें तो क्रक्स क्या है, रिस्पेक्ट है इस कायनात में, क्योंकि हम भी एक औरत हैं। और देखिए, जो हमारी जो एक तख्लीक है, जो हमारी क्रिएशन है, उसकी बेस रिस्पेक्ट ही है। आप किसी औरत को, किसी विमेन को, किसी गर्ल को जब आप रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करेंगे, वो हमेशा आपके साथ लॉयल रहेगी, वो हमेशा आपको मोहब्बत देगी, क्योंकि ऊपर वाले ने औरत को ऐसा बनाया कि वो ज़्यादा इमोशनल होती है, वो ज़्यादा प्यार के मामले में थोड़ी कमज़ोर होती है, वो माफ़ करने वाली उसकी नेचर होती है, वो सख्ती नहीं कर सकती। आप जैसे देखिए, कितनी बड़ी सी बड़ी बात हो जाए तो एक सॉरी से ही आपकी वाइफ का, आपकी बेटी का, आपकी माँ का मूड क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो सख्ती हमारे दिलों में बिल्कुल भी नहीं है। और घर वापसी होगी या रिस्पेक्ट होगी, या फिर जो मौशे के अंदर बहुत बुरी बुरी एग्जांपल्स, कुछ मैं से कहूँगी ऐसे मुसलमान जिनको रिलीजन का नहीं पता और जो अपनी जहालत की वजह से ऐसे बैड एग्जाम्पल दुनिया के सामने बना के चले गए हैं। हम भी एक मुस्लिम फैमिली से हैं, मेरे बाबा तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने हम पे सख्ती की हो या हमें मारा पीटा हो या हमें एजुकेशन से रोका हो। ऐसे पता नहीं कितने मुसलमान मर्द होंगे, मैं शादी के बाद भी काम करी, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं रोका किसी भी दिन कि भाई मैं तो तुम्हें अफोर्ड कर पा रहा हूँ। यार सभी लोग गलत नहीं होते, ठीक है, और ना सभी लोग ठीक होते हैं। अगर हम 100 में से लगा लेना, 80% लोगों की सोच इसी तरह की जिस तरह से वीडियो में बताया गया, और 20% लोग वो हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो उनका साथ देते हैं, वो बहुत ज्यादा कम है। यस, क्योंकि जिस तरह से इंसान की घर की तरबियत होती है ना, जिस तरह से उसकी परवरिश की जाती है, जब वो अपनी फैमिली में देखता है मेरा बाप मेरी माँ के साथ किस तरह का सलूक कर रहा है, मेरा भाई मेरी बहन के साथ, यही पूजा जी ने बात की, वही चीज ना, तो फिर वो उसी चीज को अपनी बीवी के साथ भी करता है। उसे पता था अगर मैं ऊंची वहां से बात करूंगा तो मेरे घर का ये माहौल नहीं है, ठीक है, वो एक अपने माहौल को लेके चलता है। अगर हम बाकियों की बात कर ले, लोगों के घर का यही माहौल होता है, वो अपने बाप देखता है, फिर वो जब बड़ा होता है वो फिर अपनी बीवी के साथ इसी तरह की बदतमीजी करता है, फिर उसका बच्चा देखता है, तो वो एक से जो जंजीर है ना वो चलती रहती है, एक सर्कल पूरा पूरा चेंज चलता रहता है। मैं अपनी अगर बात करूँ ना, देखिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ रिस्पेक्ट बड़े, मुझे एक प्रैक्टिकल एक नई जिंदगी का आगाज करना था, मुझे नायला को यही लगता था कि यार हर बंदा अपनी कमिटमेंट से हट जाता है। आज मेरा फ्यूचर हस्बैंड मुझे कह रहा है कि आप फील्ड में काम करो, नो वरीज, शादी के बाद भी जैसे आपकी लाइफ है वैसे रहेगी। तो हमने कहा कहीं ना कहीं हर बंदा ही यार मुकर जाता है, तो मैं नायला से डिस्कस किया करती थी, नायला यार ऐसा हो गया तो हाँ यार ये क्या होगा। आपको अपने काम से ना बहुत दिलचस्पी होती है, जैसे मैंने नायला ने रिएक्शन वीडियो से आगाज किया था, मैं रोड शो करती हूँ, मैं अपना कंटेंट भी करती हूँ, लेकिन ये मुझे क्रेज है मैं करती हूँ। हालांकि व्यूज की तो बात ही नहीं, किसी वीडियो पे 10,000 आ जाए, किसी भी अपने कंटेंट पे तो लाखों में आती है, लेकिन मैं नायला ने वीडियो देख दी है, हमने बना पहले हम चार देखते थे लेकिन अब हम ये इंटरेस्ट की बात है, ये वो बात यार जो हमें देखते हैं वो भी तो हमें बोलते हैं कि मैम पब्लिक के शो तो एक अलग पे, लेकिन मैंने कहा यार ये शादी तो ऐसा ना हो, अभी शादी से पहले सब जीजी हजूरी हो रही है, शादी के बाद सब पलट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं नायला देखे मेरी रोज इनसे मुलाकात होती है, हम रोड शो पे भी इकट्ठे जाते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो वो अच्छे मर्द जो होते हैं ना दुनिया में बहुत कम है, लेकिन सनातन धर्म में इनकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक नहीं देते, डेट्स में उनका जो एक वो लेवल है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड हाई है विमेन की नजर में, क्योंकि वो तलाक का सिस्टम नहीं है, चार शादियों का सिस्टम नहीं है। उनके मंदिरों में जाके देवियों की पूजा होती है, जिस तरह उन्होंने बोला कि एक औरत में कितनी ज्यादा शक्तियां होती हैं, ठीक है, रूप होते हैं, तो वो हर मैंने देखा है, अगर हम काली माता का जिक्र कर ले तो उनमें एक अलग शक्ति है, और मतलब कि जितनी भी मैंने देखी है ना मूवीज में भी अगर मैंने देखा है तो हर देवी में एक अलग से, लक्ष्मी देखो अगर उनकी
पूजा करोगे तो आपके घर में दौलत ही दौलत आएगी, तो ये लोगों के बिलीव्स हैं। ठीक है, बेटी को लक्ष्मी के लक्ष्मी माना जाता है, जो कि घर में कोई नई चीज आ जाती है सबसे पहले बेटी के पांव लगवाए जाते हैं, ये मैंने देखा है, ये उनका कल्चर है और रिलीजन भी है। तो मुसलमान लड़कियों को ये चीजें जो है ना काफी ज्यादा, तो बेटी पैदा हो जाती है, नहीं नहीं बहुत सी देखिये इस्लाम में भी ऐसा है कि बेटी अल्लाह की रहमत है, और कहा जाता है कि जिस घर के अंदर बेटी पैदा होती है अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो बेटियों को इस्लाम रिलीजन में भी एक बड़ा एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब लोगों की अपनी जनरल हॉस्पिटल की भी बात है, उसे क्या बोलते हैं, एक केस यहाँ पे बहुत ज्यादा वायरल है अभी, आई थिंक से तीन हफ्ते पहले की बात है, यहाँ पे एक औरत के घर बेटी पैदा हुई, ठीक है, अभी हॉस्पिटल में ही थी, और उसने क्या किया, तीसरी बिल्डिंग से उसने नीचे छलांग लगा दी कि मेरे घर बेटी क्यों पैदा हुई, और उसका शोहर भी खुश नहीं था बेटी के होने पे, तो उससे नजर आ रहा होगा ना कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, तो उसने अपनी जान ही दे दी। ये जो हम अगर बात करें ऑर्फन चाइल्ड की, ज्यादा लड़कियां ज्यादा लड़कियां और उन्हें कूड़े के ढेर में मिलेंगी, फुटपाथ में मिलेंगी, कितनी बुरी बात है। कुछ बेच देते हैं। मैं सब बताऊं, देखिए लड़का और लड़की दोनों ही अल्लाह ताला की जो है नेमत है। अब मैं कभी अपने बाबा के साथ बैठी हुई तो हम तीन सिस्टर एक भाई, अब वो कहते हैं अगर मेरी चारों बेटियां भी होती ना तो मैं ज्यादा लकी फील करता। अब वो कहते हैं बेटी की जगह ये भी बेटी होती मेरे बाबा, इस हालांकि भाई भी जरूरी है, बहनों के प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं मैं तीन है ना, हाई चार ही हो जाती तो ज्यादा मजा आता। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन हाँ सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम रिलीजन हो, बेस सबसे अहम चीज है आपके घर की तरबियत कैसी है। तो अगर आप अच्छे घर से हैं, आप अच्छे घर मतलब कि आपके माँ बाप ने आपको अच्छी चीजें सिखाई हैं, तो आप सामने वालों को उसी तरह से ही रिस्पेक्ट करेंगे जैसे अपने घर की वीमेंस को करते हैं। सो दोस्तों ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आया वीडियो देखे, आपको राय कैसे लेके कमेंट्स में शेयर करें, मिल जाएगी प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू।